नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का हमारे रूस MBBS चैनल पे। आप जैसा देख रहे हैं, हम अभी पीछे हैं स्टावरोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो कि रशिया का एक वेल नोन मेडिकल यूनिवर्सिटी है। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो का पर्पस ये होने वाला है कि मुझे कई सारे मैसेजेस और कई सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर, अगर हमें वहाँ पे हॉस्टल में नहीं रहना है, हमें वहाँ पे अपना प्राइवेट कुछ लेकर के या फिर फ्लैट लेकर के या शेयर्ड रूम लेकर के रहना है, तो हम उसका क्या फैसिलिटी है, उसमें हम कितने का, मतलब हमें कितना का प्राइस पड़ेगा, हमें हॉस्टल से महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, मतलब ये सारा चीज़ मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबका वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ये बताएंगे हमारे एक स्टूडेंट जो कि स्टावरोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई कर रहे हैं, वो 5th ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अभी उनको बुलाते हैं। आइए सर। हेलो। तो ये हैं रविंदर और अपना इंट्रोडक्शन ये खुद ही देंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में STGMU में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। लखनऊ से हैं और अभी किस ईयर में? मैं 5th ईयर में हूँ। रविंद्र हैं और ये 5th ईयर में है अभी। तो रविंद्र, आप ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या फिर फ्लैट में रहते हैं? मैं 1st ईयर में हॉस्टल में था। अच्छा। और उसके बाद फिर मुझे हॉस्टल में, मुझे पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे और मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए थे, इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था वहाँ पे, इसलिए मैंने हॉस्टल 1st ईयर के बाद छोड़ दिया। हॉस्टल का मजा केवल 1st ईयर का ही था मेरे लिए और इसके बाद फिर मैं फ्लैट में रहने लग गया। तो ये रहते हैं फ्लैट में और हम अभी इनके फ्लैट चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि यहाँ का फ्लैट का क्या सिस्टम है, स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, कितना उनको प्राइस पे करना पड़ता है, हॉस्टल से अच्छा है या फिर हॉस्टल से ख़राब है, ये जो भी चीज़ है ना। तो क्या हम आपके फ्लैट चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलिए चल सकते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा फ्लैट कैसा है, मैं कैसे रहता हूँ और एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको कैसे रहना चाहिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलिए, ठीक है। तो अब बाकी आगे की सारी बातें हम वहाँ जाके करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं रविंद्र के फ्लैट के पास। आपका फ्लैट कौन सा, ये वाला? तो चलते हैं मेरे फ्लैट पे। ये सामने मेरा फ्लैट है, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ और ये पूरी बिल्डिंग है, पूरा इसमें मेरा अपार्टमेंट है। पीछे जो भी आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये हो गई अगल बगल जितने बिल्डिंग्स हैं, ये ऑलमोस्ट आपको सारे बिल्डिंग्स सोवियत एरा के ही मिलेंगे, USSR टाइम के। तो बट अंदर से बहुत नए और बहुत क्या कहते हैं उसको, फुली फर्निश्ड बहुत अच्छे तरीके से। अभी आपको दिखाते हैं अंदर चल के, चले। ये देख रहे हैं, ये इसका मेन डोर है, बट ये भी इतना ज़्यादा सिक्योर होता है ना कि इसमें कोई भी इंसान एरा गहरा नहीं जा सकता भाई, जिसके पास चाबी है। और अगर आपके पास चाबी नहीं है, आपका आप किसी फ्रेंड से मिलने आए हैं या फिर आप चाबी भूल गए हैं, तो आप अगर आपका कोई दोस्त ऊपर रह रहा है, तो आपको इस पे कॉल करना है, आपके फ्लैट नंबर पे कॉल करना है, ये कॉल करेगा, फिर यहाँ आप उसको, वो पूछेगा आपसे कि हाँ आप कौन हैं, ठीक है, वो वहाँ से बटन दाबेगा तभी ये गेट खुलता है, ऐसा है सिस्टम। और जो फ्लैट का ऑनर होता है उसके पास ये मैग्नेटिक की होती है, ये की दिख रहा है आपको, ये की लगा के ही गेट खुलता है यहाँ से, ऐसे ना, ये देखिए ओपन, अब ऐसे गेट खुल जाएगा। तो सिक्योरिटी के मामले में तो बहुत अच्छा है, पूरा सिक्योर होता है। और कई बिल्डिंग्स में आपको लिफ्ट भी मिलेंगे, जैसे इनके फ्लैट में आपको लिफ्ट मिल जाएगा, कितने, 2 लिफ्ट है ना, एक ही और एक। कितना फ्लोर? 3rd फ्लोर। चलो ये पहुंच गए 3rd फ्लोर। ये बालकनी है, यदि आपका मूड ऑफ है या आप बाहर का व्यू देखना चाह रहे हैं तो यहाँ खड़े हो जाओ। बढ़िया है। हमने ये एक्चुअली 3rd फ्लोर पे रहता है और ये बिल्डिंग 12th फ्लोर तक है ना, तो हम 10th फ्लोर पे जाके आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं। और यहाँ ये कूड़ा फेंकने के लिए कहीं जाना नहीं है आपको, एक्चुअली 3rd फ्लोर पे ये होता है, और इसको आप ओपन करिए डाउन पे। ये देखिए भाई, यहाँ से व्यू, मतलब लाजवाब व्यू जिसको कहते हैं ना, वो है क्या, उधर पूरा जंगल दिख रहा है आपको, रशिया इतना, वहाँ देखो कितना खूबसूरत पूरा रशिया आपको दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहाँ पे आबादी सिर्फ 14 करोड़ है, तो समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा देश और उसका आबादी 14 करोड़, तो उसके अलावा कितना सारा लैंड होगा जिसमें जंगल है सिर्फ। तो यहाँ से भी देखिए आप, उधर पूरा आपको जंगल दिख रहा होगा, कुछ दूर के बाद आप आपको पहाड़े वहाड़े दिखेंगे। अच्छा, दुकान उकान कितने दूर पे है आपको? ये देखो वॉकिंग डिस्टेंस पे, वो आपको नीचे दिख रहा है? अच्छा, बस हाँ, वो पैथरोज का है वहाँ नीचे। अच्छा, सुपरमार्केट, सुपर मार्केट है उधर, ठीक है। और उसके आगे जाओगे तो एक दूसरा सुपर मार्केट है, वहाँ पे एक छोटी सी सब्जी मंडी भी है जहाँ पे खुले शॉप्स हैं सब्जी, हरी सब्जियों के। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे हरी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है, तो मैं
वहाँ से जाके वॉकिंग डिस्टेंस पे जाता हूँ और वहाँ से सारे खाना। जैसे ये वेजिटेरियन है तो इनको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जो भी है आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, नॉन वेज ही मिलता है प्रॉपर, वेज भी आपको प्रॉपर वेजेज मिल जाएंगे। और जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, वहाँ पे आपको सीधा सामने बस स्टॉप भी है, तो उतरते ही आपको बस स्टॉप, आपको कहीं भी जाना हो दूर दूर तो आप वहाँ से नॉर्मल जो सिटी बसेस हैं वो ले सकते हैं। हाँ, और मैं फाइनल ईयर में हूँ अभी। हाँ, तो यहाँ से हॉस्पिटल ड्यूटी आपकी ज़्यादा रहती है फाइनल ईयर में। तो मेरा जो फ्लैट है वो हॉस्पिटल के ज़्यादा नज़दीक है कि मैं वॉकिंग डिस्टेंस पर हॉस्पिटल भी जा सकता हूँ, और यहाँ से यूनिवर्सिटी भी पास पड़ती है। एक्चुअली मैं सेंटर में हूँ, सेंटर में। हाँ, यहाँ से हमें यूनिवर्सिटी दिख भी रही है, अगर मैं आप इस कैमरे में नहीं दिखेगा, बाकी मैं दिखाऊँ तो यहाँ से यूनिवर्सिटी दिखती भी है। और जैसे ये फाइनल ईयर में है ऑलमोस्ट, समझ लीजिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के बाद से आपको आपका जो क्लास है वो यूनिवर्सिटी में नहीं हॉस्पिटल में लगने लगता है। प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं तो हॉस्पिटल अलग अलग जगह पर, जैसे सिटी के हर कोने में आपको चारों तरफ फैला हुआ है, तो कई बार आपको एक हॉस्पिटल में जाना है, कई हफ्ते दूसरे हॉस्पिटल में जाना है, ऐसे होता है। तो मतलब बेसिकली आपका सेंटर में है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती। और किराया वराया कितना है यहाँ पे? बहुत ही सस्ता है किराया तो इतना। यदि आप यहाँ की जो ट्रॉली बसेस होती हैं, सरकारी बसेस, जिसमें 16 रुपये किराया, और जो प्राइवेट हैं उसमें 28 रुपीज़ है। अच्छा, जो आप कहीं पे भी जाना है पूरे स्टैप रूल में या पूरे कहीं पे भी जाओगे आप, तो 28 रुपये का आपको लगेगा जो प्राइवेट बसेस होती हैं, और जो सरकारी बसेस हैं उसमें 16 रुपये। लेकिन अगर आप भी उसके लिए कार्ड बनवा लेते हैं तो वो भी 10 रुपये का ही पड़ता है आपको। तो किराया बहुत चीप है यार, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़िया से आ जा सकते हैं। अब चलते नीचे और इनका फ्लैट देखते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली फ्लैट होते हैं, फ्लैट जो आपको इंडिया में भी मिलते हैं ना। तो जैसे एक इसका कौन सा फ्लैट है आपका? ये वाला इनका फ्लैट है, और ये बाकी और लोग इनके पड़ोसी हैं। बातचीत होती है पड़ोसी से? कभी कभी। चलो चलते अंदर चलते हैं। फ्लैट तो काफी सुंदर है। तो देखा ये है इनका फ्लैट। कितने कमरे इसमें? 2 रूम है, लैट्रिन और किचन, बालकनी। ये क्या, ये बाथरूम? हाँ, ये बाथरूम है। अच्छा, ये बाथरूम है। यहाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये किचन है। किचन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। किचन से स्टार्ट। ये किचन है ना? हाँ, ये किचन है। तो किचन में क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करते हैं? फ्रिज प्रोवाइड करते हैं, गैस और माइक्रोवेव है। अच्छा, गैस। ये फ्लेम नहीं है यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रिक वाला? ये इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये जो। और ये है क्या, ओवन? हाँ। और सारे फ्लैट में आपको गैस भी मिल जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है। और इसके नीचे है ये आपको ओवन वगैरह भी, अगर आपको कुछ रोस्ट करना है तो आप उसमें डाल सकते हैं। और जैसे हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि खाना सुबह मतलब एक बार बना लिया दिन में, और सुबह खा के क्लास जल्दी जाना, तो उसके लिए आपको माइक्रोवेव भी सारे फ्लैट में मिल जाएगा। बढ़िया खाना डालो, 2 मिनट के अंदर गर्म, और गर्मा गर्म खाना खा करके आप क्लास के लिए कॉलेज के लिए निकल सकते हैं। और ये फ्लेम एक्चुअली बहुत ही कन्वीनियंट है। कितना देर? अच्छा, तुरंत गर्म हो जाता है। अरे वाह, ये देखिए जो लाल दिख रहा है आपको, लाल 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर ये पूरा लाल हो चुका है। सो बढ़िया, अब जो डालना डालो, गर्म करो। ये कैटल है पानी वाल करने के लिए। अच्छा, कैटल वेटल भी यहाँ पे देख रहे हैं, पानी वानी आपको जैसे कॉफी चाय जो भी आप पानी गर्म पानी करने के लिए, और ये सारा चीज सामान रखने के लिए ना। हाँ। तो इसमें मसाले वसाले आप लोग क्या इंडिया से लेके आते हैं? हाँ, इंडिया से लेके आते हैं सारे मसाले। अच्छा, ये जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ मिर्च रखा है, मखाना रखा है, इधर सारा आपको मतलब जो भी खाने पीने के लिए जो भी मसाला चाहिए ना, ये भी सारी चीजें इंडिया से लेके आया था, क्योंकि मुझे मखाने खाना पसंद है, इसलिए इंडिया से लेके आया था। और ये वाली बिस्किट मुझे बहुत टेस्टी लगती है, मैंने यहाँ से खरीदी ये वाली। हाँ, हमें नहीं ट्राई कराएंगे, इसमें खत्म हो गई थोड़ी, एक दो बचे होंगे। हाँ, तो एक दो बचे हैं, कर सकते हैं, हम ट्राई करते देखते हैं। अभी हम चाय कॉफी बनाएंगे। और यहाँ पे मेरे सारे हरी क्रॉकरी इधर है। अरे वाह, यहाँ देख रहे हैं कि ये सब चीज यही मिलता है? हाँ, ये सारे ओनर ने प्रोवाइड, पहले से रहता पहले से। वाह, आपको जितने दिख रहे ना, ये प्लेट इधर, आपको बाउल हो गए, कटोरे, आपको आपको इधर आने से आने के बाद मतलब कुछ नहीं लेके आना है, कुछ भी नहीं, सारी चीजें, चम्मच तक भी नहीं, चम्मच भी नहीं लेके। वाह, मतलब सारे अपने क्रॉस और बुक्स लेके आओ एंड दैट्स इट। वाह, मतलब आपको चम्मच तक भी नहीं लाना है, आप अपना सामान उठाओ, मतलब सामान आपके पास जो कपड़े हैं और बुक्स हैं, दो ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो उठाओ और पहुंचो। आपको यहाँ चम्मच, प्लेट, कटोरे, बेड वेड भी मिलता है, सब कुछ अभी दिखाते हैं आपको। वाह, बेड इधर आपको किचन के अंदर, फ्रिज,
मतलब हर एक चीज। अच्छा क्या क्या बर्तन लाना पड़ता है इंडिया से? इंडिया से मेनली यहाँ जो नहीं मिलता है एक्चुअली वो कुकर है। अच्छा। कुकर लेके आना पड़ता है आपको। कुकर कुकर लेके आना है। कुकर मतलब कितने लीटर का कुकर में हो जाएगा? यदि आप सिंगल हैं तो 3 लीटर सफिशियंट है एक आदमी, क्योंकि कभी कभी पार्टियां होती रहती हैं, दोस्त आते हैं फ्लैट पे, तो 3 लीटर मेरे ख्याल से सफिशियंट होना। 3 लीटर या फिर 5 लीटर? 5 लीटर इससे बड़ा ला सकते हैं। अच्छा। मिनिमम 3 लीटर। मिनिमम 3 लीटर लाना है। पार्टी वार्टी होती है कभी, संडे सैटरडे आपका ऑफ होता है ना, तो फिर जैसे बता रहे ना कि पार्टी वार्टी करना होता है तो उसके लिए आपको बड़ा कुकर चाहिए, तो इस बात में आपको ये बात बता दूं कि आप यहाँ 6 साल रहने वाले भाई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई करेंगे, साथ में आप पार्टी भी करेंगे। आपको बर्थडे आएगा, आपके फ्रेंड का बर्थडे आएगा, या फिर आप ऐसे ही कोई पार्टी करेंगे, तो पार्टी भी ज़रूरी है, उस हिसाब से भी आप सामान लाना। ठीक है, कुकर ला सकते हो, कढ़ाई ला सकते हो, जो जिसमें आपको दिक्कत ना हो खाना बनाने में, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ अगर आप आ गए तो आपको ना कुकर मिलेगा, आपको ना कढ़ाई मिलेगा। तो बेटर ये है कि आप सारा चीज़ इंडिया से लेके आएँ, ताकि आपको यहाँ किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं फेस करना पड़े। क्या? हाँ, सही बात है ना। चलिए ठीक है, आगे। तो ये हमारा क्रॉकरी सेक्शन पूरा सेक्शन था ना, यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह सब मिलता है। ये बर्तन लाना पड़ता है ना, बर्तन भी कुछ मिला होगा यहाँ पे? सारे बर्तन मिले थे मुझे यहाँ पे, मेरे उन्होंने सारे बर्तन दिए थे, जिसमें से जैसे मैंने फर्स्ट ईयर जब मैं हॉस्टल में था तो मैंने कुछ कुछ बर्तन खरीदे थे, जैसे चाय बनाने का बर्तन हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे क्या चाहिए। हाँ, वही ना बात है कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं उन्हें पता नहीं होता क्या क्या लाना है, तो क्या क्या जैसे आप बताइए आपके लिस्ट में अभी क्या क्या चीज़ ऐड हो चुका है, अगर कोई बच्चा आना चाह रहा है तो क्या क्या चीज़ लाना चाहिए उसे? पहला तो कुकर हो गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पैन, कढ़ाई कुछ लाने की जरूरत कुछ नहीं। चकला और बेलना रोटी बनाने के लिए यदि आपको चाहिए तो ला सकते हैं, लेकिन यहाँ मिल जाता है। अच्छा, बेटर है कि आप ला लें, क्योंकि यहाँ जो मिलता है वो पिज्जा के साइड कर मिलता है, बड़ा वाला मिलता है। हाँ। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंडिया से ला सकते हैं, इतना तो जगह लेगा आपका, वो 100 ग्राम का होता है। बेलन लेके आ सकते हैं आप, बढ़िया रोटी बनाइए खाइए, और बाकी तो मैक्सिमम चीज़ यहाँ मिलता ही है। मसाले में क्या क्या लेके आते हैं आप लोग? मसाले तो हमने मसाले में तो सारे मसाले लाना पड़ेंगे, जैसे गरम मसाला हो गया, मेनली है धनिया मिर्चा और गरम मसाला, और यदि पनीर बना रहे हैं तो पनीर मसाला, यदि चिकन बना रहे हैं तो चिकन मसाला, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें नल लगा है, यहीं पे सारी धोना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये जो नल है इसमें दोनों पानी आते हैं, ठंडा भी आता है गर्म भी आता है। अच्छा। तो आपको अपने हिसाब से जो भी पानी आपको यूज़ करना है, एक्चुअली यहाँ ठंडा मौसम ज़्यादा रहता है तो आपको गर्म पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे पूरे रशिया में इतना पानी नीट एंड क्लीन है कि आप कहीं से भी कोई भी पानी पी सकते हैं। मैं हम सीधे टैप वाटर से पानी पीते हैं क्योंकि इतना क्लीन है, कोई फिल्टर कोई कुछ मिनरल वाटर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया में होता है ना कि हमें आरओ वगैरह से लगाना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। सिंपल आप बस गर्म पानी नहीं ठंडा पानी, मतलब सोचिए, मतलब कोशिश कीजिए गर्म पानी आप चाइनीज में करके ही पिए। ठंडा पानी पीने के लिए डायरेक्ट नल से निकाल के ग्लास में बढ़िया पी सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और ये फ्रिज है, फ्रिज दिखाइए कैसा है आपका, फ्रिज में क्या क्या रखे हैं भाई? इनका फ्रिज देख रहे हैं आप, पूरा भरा भरा है। वेजिटेरियन है। हाँ, ये आपके लिए एक बात है कि यदि आप वेजिटेरियन हैं, सब्जियां यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन कुछ कुछ सब्जियां यदि आपकी फेवरेट हो सकती हैं तो वो ना मिले शायद, लेकिन उसके लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं आपको खाने के लिए वेजिटेबल्स। अच्छा, वेजिटेबल्स में क्या क्या जनरली मिलता है यहाँ पे? यहाँ गोभी मिलता है, पत्ता गोभी, जो नहीं मिलता है मैं वो बता देता हूँ। हाँ, आपको भिंडी खाने को नहीं मिलेगी, आपको करेला खाने को नहीं मिलेगा, तरोई खाने को नहीं मिलेगी, और जो इंडिया वाले। अच्छा, तरोई क्या था? झींगा ना। हाँ, झींगा। मतलब ये कहाँ से? आप यूपी से हैं तो इनके इधर तरोई कहते हैं, हमारे इधर झींगा कहते हैं। मैं बिहार से हूँ तो वो आपको खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा। और लौकी जो इंडिया वाली मिलती है वो नहीं खाने को, बड़ी वाली। हाँ। यहाँ देखिए लौकी, एक मिनट मुझे दिख गया, तुम्हें दिखा देता हूँ। ये इस साइज का मिलता है भाई, तो छोटा होता है बट टेस्ट आपको ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। और खाने के लिए आपको फ्रूट्स इतने मिलेंगे खाने के लिए, आपने इंडिया में कभी नहीं खाए होंगे।
इतने सारे फ्रूट्स फ्रूट्स यहाँ पे बेरीज बहुत मिलते हैं। अगर आप ये सोच कह रहे कि आपको मैंगो मिल जाएगा, लीची मिल जाएगा, लीची मिलता है बहुत महंगा, आम भी मिलता है बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, आप एज ए स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे रेगुलर बेसिस पे। हाँ ठीक है, वंस इन अ वाइल आप खा सकते हैं, बट रेगुलर तो पॉसिबल नहीं है। बाकी जैसा मुझे दिख रहा है टमाटर, धनिया, हर चीज और ये जूस वूस, मिल्क है इसमें, क्या मिल्क है ना, मिल्क मिलता है, मिल्क इंडिया के प्राइस के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है क्या, 50-60 रुपए लीटर। और मैं बता दूं कि रुपीस और रूबल्स ऑलमोस्ट सेम है दोनों का वैल्यू, तो अगर हम आपको रुपीस में बता रहे तो समझिए आप उसको डायरेक्ट रूबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वली है दोनों का वैल्यू। और मुझे क्या दिख रहा है इधर, नींबू, मतलब जो भी आपको एक घर पे खाने के लिए चाहिए ना, सारा चीज यहाँ पे मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे क्या है, फ्रीजर? हाँ, ये डीप फ्रीजर है। अच्छा, ये डीप फ्रीजर है, इसमें मटर वगैरह, फ्रोजन मटर बहुत अच्छी मिलती है, ये फ्रोजन मटर है बहुत अच्छी मिलती है, ये सब फ्रोजन मटर है भाई। यहाँ पे देखिए कल्चर है थोड़ा सा, क्योंकि 6-7 महीने आपको यहाँ पे बर्फ रहेगा, तो बर्फ के समय कोई भी खेती नहीं होती है, यहाँ पे फ्रोजन खाना खाने का ज़्यादा कल्चर है थोड़ा। ये यहाँ डाइनिंग टेबल भी दिख रहा है और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, मतलब बहुत खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बैठ के आप कितने आराम से 4 आदमी यहाँ पे आराम से खाना खा सकते हैं। अगर आप दो लोग, कितने लोग गए थे, 2 लोग ना, 2 लोग रहते तो 2 लोग बढ़िया, 2 लोग तो बड़े आसानी से, लेकिन अगर यहाँ 4 आदमी बैठे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 चेयर है, और भी चेयर मिलते होंगे, अगर रखा है और मिलते भी हैं, खरीद भी सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो। तो चलते हैं आगे, बाथरूम भी दिखा दे कि क्या सिस्टम है। ये बाथरूम है, वाह, तो ये देखिए ये है बाथरूम, मतलब बाथरूम और टॉयलेट दोनों एक ही जगह, आपको इधर कमोड मिल जाएगा, ये वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे खुला, जैसे आप इंडिया में क्या होता है खुले में नहाते हैं ना, तो वो नहीं है, यहाँ पे टब का सिस्टम होता है, आप इस टब में आराम से बढ़िया इसको भर के भी नहा सकते हैं, खड़े होके भी नहा सकते हैं। इसमें जैसा दिख रहा है मुझे, ये शावर वगैरह सब है, नल वगैरह भी सब है, तो आप जैसे हिसाब से चाहें ये पर्दा इसमें लगा के बढ़िया ऐसे करके और आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें 2 आदमी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 5 kg का दिख रहा है मुझे, ठीक है 5 kg का वॉशिंग मशीन है, इसमें बढ़िया 2 आदमी के लिए आप कपड़ा रेगुलर, तो ऐसे भी रोज कोई नहीं धोता है, हफ्ते में एक बार धोना होता है, और काफी नया भी है। अभी मंडे को मुझे कॉलेज जाना है, तो देखो मैंने रंग वगैरह डाले हुए हैं, इसमें अच्छे हालात वगैरह इनके सूख, मतलब धुल रहे हैं। हालात यहाँ पे एप्रन को कहते हैं, तो हालात मतलब ये नहीं है जो अपना सिचुएशन वो नहीं, हालात मतलब एप्रन जो आप डॉक्टर कोट व्हाइट वाला पहनेंगे वो, क्योंकि काफी लोग जैसे होता है ना, हम लोग हालात कहते हैं किसी को भाई, वो कन्फ्यूज होते कि हालात इंडिया अपने, हाँ और ये इनका अपना जो भी वॉश बेसिन वगैरह, तो बढ़िया मतलब काफ़ी साफ सुथरा बाथरूम है। हाँ तो अभी रूम की तरफ चलते हैं, अभी रविंद्र में रूम दिखाएंगे अपना, मैं अपना रूम दिखा था, ये आपका कमरा ना? हाँ ये मेरा रूम है, काफ़ी भाई साफ सुथरा रखे हुए हैं, फिर काफ़ी इनका रूम देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं आप रूम में। मुझे एक्चुअली थोड़ा नीट एंड क्लीन अच्छा जरूरी भी है, अगर आप लोग भी यहाँ आ रहे हैं ना, अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हैं तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, रशियंस बहुत साफ सफाई से रहते हैं और ये आपको फ्लैट मतलब रेंट पे देते हैं, अगर आप इनका फ्लैट गंदा कर दोगे ना तो ये फिर आपको कभी देंगे नहीं, तो इसलिए बेटर है कि आप जब भी आ रहे हो यहाँ पे अपना फ्लैट हमेशा साफ सुथरा रखना, इनका फ्लैट देख के आप एग्जाम्पल ले लो भाई, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा साफ है। और रूम में क्या क्या चीज़ है अभी आपके? मेरे रूम में मेनली मैं ऑनलाइन स्टडी करता हूँ और जो मेरी बुक्स होती हैं जो मैं इंडिया से लेके आया था वहाँ अच्छा। पढ़ी हुई हैं कुछ, बहुत सारी अच्छा। बुक्स में पढ़ रहा था जो, और बाकी अच्छा। ये पढ़े हुए, और ये वरिष्ठ थे जो ये डॉक्टर्स का गहना, ठीक है इसको डॉक्टर्स का गहना कहते हैं, और बाकी मेरी पर्सनल डायरी, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने रख रखा, मुझे अच्छा फील होता है इसको देख के। इनके पास मुझे सर्जरी बुक दिख रही है, उधर मुझे एनाटॉमी वगैरह और क्या कहते हैं एटलस वगैरह सारी दिख रहा है। अच्छा ये बताइए जो कमरा है इसमें आपका क्या क्या है, या फिर सारा चीज ओनर ने दिया है? मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे सिर्फ क्लॉथ्स हैं जो इसके अच्छा, अंदर है, अच्छा जो ये गोदरेज अलमारी है इसके अंदर भरे हुए हैं सारे अच्छा, और बाकी जो मेरी बुक्स दिख रही हैं वो आपको इधर हैं, और बहुत सारी मैंने इधर रख रखी है जो मुझे नहीं पढ़ना होती है इसके अंदर रख देता हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ ये जो बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने इधर रख रखी हैं, इधर रख रखी हैं, नीचे भी रखी हैं, ठीक है जो जरूरत नहीं होती मैं इधर रख देता हूँ, क्योंकि मुझे फैला हुआ सामान ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इसलिए बस। और ये मेरे सारे क्लॉथ्स इधर हैं, ये अपने डेली यूज़ के सामान, जो भी आप ये तेल वगैरह
ये मैं इंडिया से लेके आया है। ये कोकोनट ऑयल है एक्चुअली, और ये इंडिया में बहुत सस्ता है, यहाँ बहुत महंगा है। ये सब तेल आपको ध्यान रखना, जब आ रहे हैं छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी ना, मतलब यहाँ आने समय ये सब चीज इंडिया से लेके आओ बेटर रहेगा, ठीक है। और इधर ये आप देख रहे हैं, ये इतनी सारी बेडशीट और ये सारी चीजें ओनर ने दी हैं। अच्छा ऐसा है क्या? देख रहे हैं जो भी आपको अंदर, मुझे ब्लैंकेट दिख रहा है, बेडशीट दिख रहा है, पिलो तक दिख रहा है, सारी चीजें ओनर ने, सारा चीज इनको इस फ्लैट में पहले से था। और ये बेड दिख रहा है, किंग साइज बेड कह सकते हैं इसको, ये पूरा जो है ना आपको फुल फर्निश फ्लैट मिलता है यहाँ पे। तो बेड से लेकर के गद्दा तकिया हर एक चीज सब बढ़िया भाई, आपको ठंड ना लगे उसके लिए ब्लैंकेट। और मुझे यहाँ सोफा भी दिख रहा है, ये सोफा है कि आप अपना बैठ के जो भी करना चाहें इधर। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये मैंने कई जगह पे देखा है, मतलब रशिया में जनरली हर जगह पे होता है, तो इसका क्या यूज है बताइए? ये एक्चुअली जब यहाँ पे सर्दी पड़ती है तो -20 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, -20 और बाहर स्नोफॉल हो रहा है, तो ये जो हीटर है पूरा, ये पूरे रूम को गर्म रखता है, एक्चुअली पूरे घर को गर्म रखता है। हर कमरे में मिलेंगे आपको ये, इस वाले में है, किचन में भी होंगे, और दूसरा जो एक और रूम है अभी हम आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे भी है। तो ये सब पूरा एकदम गर्म रहता है, तो बाहर का टेम्परेचर माइनस कुछ भी हो लेकिन अंदर का टेम्परेचर रूम का आपका मेंटेन रहता है, 25-22 ऐसे में। बाहर जो है ना, जिससे बताया कि आपको रशिया भाई बहुत ज़्यादा ठंडा देश है, बर्फ आपको लगभग 4 महीने बर्फ पड़ेगा और उसके बाद भी ठंड रहती है माइनस में, जीरो तो कम से कम, जीरो तो नॉर्मल भी रहता है ऐसे क्या? जीरो तो कभी है, अभी जब समय स्टार्ट हुए तब भी जीरो था। हाँ अभी 10 डिग्री टेम्परेचर, आज कितना है? आज तो 15 है शायद, 15 है, आज तो थोड़ा गर्म है मौसम, लेकिन फिर बिना जैकेट के नहीं जा सकते। हाँ बिना जैकेट नहीं जा सकते, तो ये इसको यहाँ पे बैटरी कहते हैं, ठीक है, और मुझे नहीं पता इंडिया में इसको क्या बोलते हैं। और ये बेसिकली हीटर है, सेंट्रलाइज हीटर है, ये सेंट्रली कंट्रोल होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको जो यहाँ की गवर्नमेंट है वही कंट्रोल करती है, वही आपको ऑन करेगी। 6 महीने ऑन रहता है, 6 महीने ऑफ रहता है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, यहाँ से बढ़िया पेड़ों में पत्ते आ गए हैं अभी। ये एक्चुअली चेरी का पेड़ है, चेरी। हाँ रशिया में जैसे, हाँ अब ये आपको दिख रहा है ना, ये चेरी का पेड़, ये जो है ये चेरी का, इसमें होता है ना अपने अमरूद होते हैं, आम होते हैं, तो यहाँ पे चेरी के पेड़ होते हैं क्या, और हम लोग चेरी को तोड़ के खा सकते हैं नीचे। आप यहाँ से हाथ डाल के तोड़ के खा सकते हैं, जब चेरी हो जाएगा, अभी तो बहुत छोटे छोटे। और ये इनके बुक्स रखे हैं, तो ये सारा चीज़ है। तो बाकी उधर आपको टेबल वगैरह सारा चीज़ें प्लग है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे इधर 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 मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इंडिया जैसा आपको अडेप्टर नहीं मिलेगा, जो प्लग है इंडिया जैसा प्लग आपको नहीं मिलेगा, तो आपको इसके लिए अडेप्टर लेके आना है। आप ट्रैवल अडेप्टर ले सकते हैं, और जैसे इसमें जैसे पतला पिन है तो पतला पिन होता है, जैसे ये देखिए इनके पास ये वाला चार्जर है जिसमें मोटा पिन है हमारा इंडिया वाला, तो ये इसमें नहीं जाएगा, इसके लिए आपको ये सेट करके अलग से फिर ये करना है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लिस्ट में डाल लीजिए और उसको ले करके ही आना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो आते ही। और यहाँ पे इन्होंने रूम को काफ़ी अच्छे सजाया है भाई, मुझे बहुत पसंद आया, रूम बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रूम है। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बेड के बगल में सारा, मतलब आप सोच रहे होंगे कि मेरे रूम में कहीं स्टडी टेबल क्यों नहीं दिख रहा, एक्चुअली मुझे बेड पे पढ़ना पसंद है, इसलिए वो बेड वाला टेबल आपको दिख रहा होगा। मैं बेड पे 7-8 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ, मुझे टेबल पे नींद आती है, वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे जगह है टेबल का, अगर आपको टेबल चाहिए तो टेबल भी आप बोल सकते हैं। इन्होंने टेबल नहीं रखा है, बेड पे पढ़ाई करते हैं, टेबल वहाँ पड़ा हुआ है बालकनी में, मैंने उठा के नहीं रखा था। कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, आपको जहाँ देखिए पढ़ाई करने से मतलब है भाई, बेड पे पढ़ाई करे या फिर बालकनी में करे, सड़क पे करे, कहीं भी करे, बस पढ़ाई होना चाहिए वो जरूरी है। हम देखते हैं दूसरा रूम भी दिखाते हैं, आइए दूसरा रूम दिखाइए आप अपना। इस रूम में कारपेट है तो हमको जूते डालना पड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कारपेट वगैरह बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं रशियंस, क्योंकि ठंडा इलाका है तो पैरों में ठंडा ना लगे, कारपेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वाह क्या बात। अच्छा ये सोफ़ा बेड है ना? हाँ ये सोफ़ा बेड है एक्चुअली, इसको अंदर कर सकते हैं हम लोग। हाँ इसको अंदर करके इसको सोफ़ा भी बना सकते हैं, और ये बेड भी है। हाँ। बढ़िया करें, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अभी हम लोग बैठेंगे तो हम अंदर कर लेंगे इसको। और जैसे आपका कभी टीवी देखने का मन है तो ये टीवी लगी हुई है, टीवी वगैरह सब, ये इधर वाईफाई राउटर, ये सब यहीं से था क्या? ये सब ओनर ने दिया, सब ओनर ने, मतलब
आप आइए, अपना रिचार्ज कराइए और इंटरनेट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ओनर इतनी अच्छी है कि वो रिचार्ज करा के भी दिया है उसने। वाह, मतलब ऐसे ओनर लोगों को मिल जाए तो वो कोई इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप इतने लकी है कि नहीं कमेंट करके बताइए। ये बालकनी ना, हाँ ये बालकनी है, ये बालकनी है। ये बालकनी है, बालकनी में अभी वैसे कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, देख सकते हैं। ये अभी आज सैटरडे था तो सैटरडे संडे को छुट्टी होती है यहाँ पे रशिया में, तो मैंने सारे कपड़े धुले हुए मशीन में और अभी सूख रहे हैं। ये कपड़े सूख रहे हैं और इधर से बाहर का व्यू ले सकते हैं। शाम के टाइम में आप अपना जैसे पढ़ाई करके बोर हो गए तो यहाँ पे चाय लेके आप चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको सफाई वफाई करने के लिए जैसे कालीन होता है यहाँ पे, तो आप वैक्यूम क्लीनर है साफ सफाई के लिए। अब बंद कर, बाकी यहाँ पे आपको वही जो छोटी जो भी घर में चीज़ें जरूरत पड़ती है, प्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें सब चीज़, मतलब आप समझ लीजिए आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। जो छोटी मोटी आपकी पर्सनल इसकी चीज़ें हैं वो लेके आइए आप, बाकी आपको सारी यहाँ पे मिलेगा। ये सारा चीज़ तो हो गया था अभी तक कि फ्लैट है, बढ़िया है, कितना पे करना पड़ता है इसके लिए, ये बहुत लोगों का सवाल है। ये मुझे 14,000 पे करना पड़ता है। 14,000 इसमें आपको क्या सारा चीज़ आता है क्या? सब कुछ मिला है मुझे इसमें। एक्चुअली यहाँ पे दो टाइप के फ्लैट होते हैं, किसी किसी में जो ये लाइट का और ये सब चीज़ों का इंक्लूड नहीं होता है तो उनके में पैसा माइनस हो जाता है। जैसे मेरे में सब कुछ इंक्लूड है इसमें, तो ये माइनस नहीं है, वो सारा इंक्लूड करके 14,000 पड़ता है। 14,000 जनरली यहाँ पे 14,000 पड़ता है फ्लैट का, दो रूम का अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो। और आपको हॉस्टल में भी ऑलमोस्ट इतना ही पे करना पड़ता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं फ्लैट में रहना चाहते हैं, वो आप पे। देखिए फ्लैट में रहने का प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी है कुछ। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे आपको खुद से रहना पड़ता है, आपको अपना सारा ख्याल खुद से रखना पड़ता है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में आपके दोस्त हैं, हॉस्टल में और भी लोग हैं, आपको कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, हेल्प यहाँ भी मिलेगा आपको। ये आप पे, जो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रहना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए आपको कहाँ पे रहना है, कहाँ पे आपका दिल लग रहा है, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। मेनली पढ़ाई है। और इस फ्लैट का जैसे इन्होंने बताया कि 14,000 कितने, दो लोगों का ना? हाँ, दो लोगों का तो 7,000 रुपये नॉर्मल है, मतलब आपको हॉस्टल में भी 7,000 रुपये 6,000 रुपये पर मंथ पे करना ही पड़ता है। तो ये है रहने का, बाहर रहने का। अगर यहाँ पे आप तीन लोग रहते हैं तो 14,000 का 15,000 का ज़्यादा ज़्यादा, हाँ बस 1,000 बढ़ जाएगा टोटल ओवरऑल, लेकिन वो 15,000 तीन में डिवाइड हो जाएगा तो 5,000 का ही पड़ेगा। इसमें तीन लोग तो रह सकते हैं ना आराम से। तीन लोग तो इस रूम में, इस फ्लैट में भी रह सकते हैं देखा जाए तो। हाँ आराम से, वही तो तीन लोग रह सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन वो आपके कन्वीनियंस पर है, आप ही ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है, दो रखने, दो लोग रहने या तीन, हाँ वो आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कितने में, मतलब आप कैसा रहना चाहते हैं आप उस हिसाब से रहिए। बाकी कोई दिक्कत होता है ओवरऑल यहाँ पे क्या, मतलब ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल से आप दूर हैं तो लैंग्वेज इशू आ रहा है या फिर कोई डिस्टर्ब कर रहा है या फिर कोई परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ दिक्कत उक्कत? परेशान तो इधर कोई नहीं करता पहले, और यदि आप एक साल हॉस्टल में रह के आएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में इतनी रसीन सिखा दी जाएगी, यदि आप अच्छे से सीखोगे तो फर्स्ट ईयर में इतना सिखा दिया जाएगा कि आप बाहर कहीं पे भी घूम सकते हो, बिना किसी झिझक से किसी भी बात कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट ईयर में रसीन सीखनी है या सेकेंड ईयर में सीखनी है। इतना तो आपको रसीन सीखना पड़ेगा कि लोगों से बात करो। देखिए जैसे बच्चे मुझे जैसे कॉल करते हैं कई पेरेंट्स के, जैसे अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आप मुझे, आप हमें ये बताते हैं कि नहीं हमें फर्स्ट ईयर से ही बाहर रहना है, अपना एकोमोडेशन हम खुद से बुक करेंगे, हम उसमें रहेंगे। देखिए उसमें दिक्कत ये है कि आप फॉरेन कंट्री आ रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ आपको लैंग्वेज हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, आपको रशियन सीखना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप एक साल हॉस्टल में रहिए, वहाँ आप रशियन अपना इतना सीख लीजिए कि आप ओनर से बात कर सके, अगल बगल आस पड़ोस के लोगों से बात कर सके, कोई दिक्कत हो आपको तो। इतना आपको रशियन आना चाहिए, उसके बाद ही आप हॉस्टल छोड़ें। हॉस्टल क्या होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ देंगे आपको कोई दिक्कत होगी, चलिए ठीक है लोग आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन आपको उस समय उस पॉइंट पे तो दिक्कत हो जाएगी ना, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ओनर आपको हर कोई तो आपके पास आएगा नहीं हमेशा। तो बेटर है एक साल आप रशियन सीखिए, उसके बाद आप फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो ये काफ़ी लोगों का क्वेरी था, मुझे लगता है हमने कोशिश की है कि इस चीज़ पे अच्छे से डिटेल में आप लोगों को हम बताएं। और अगर आप लोगों को इसके बावजूद कोई और डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, डब्ल्यू 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 डॉट
rusembbs.com, नीचे स्क्रीन पे नाम फ्लैश हो रहा होगा। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे आ रहे होंगे। हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, आपके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है भाई, आपका हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। और अगर आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलना है तो आप दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, आप वहाँ जा सकते हैं, आप जा करके फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ भी जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू रविंद्र, ठीक है, आपने हमें मतलब परमिशन दिया है अपने फ्लैट को दिखाने का। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो मैसेज करें, मेल करें, जो भी आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, बाय।